हेलो दोस्त, कैसे हो तुम। इंडिया और इंग्लैंड की ओडीआई मैच आज से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, और पहले ही ओडीआई में ब्रेक होने वाला है 9 रिकॉर्ड्स, जो कि ब्रेक कर सकते हैं विराट कोहली और रोहित सुपर हिट शर्मा। वेलकम बैक दोस्त, तुम देख रहे हो गेमपंती। दोनों टीमों के पास जबरदस्त मौका होगा रिकॉर्ड ब्रेक करने का, और गेमपंती तुम्हें बताएगा वो सारे रिकॉर्ड्स के बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखना, सारे रिकॉर्ड तुम जान जाओगे। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहला रिकॉर्ड, नंबर 1 रिकॉर्ड जो कि आज के मैच में ब्रेक हो सकता है। फर्स्ट वनडे मैच में इंडिया के पास मौका होगा इंग्लैंड के खिलाफ अपना 54 मैच जीत हासिल करने का। हाँ मेरे भाई, अगर पहला मैच इंडिया जीत जाए तो 54 मैच होगा जो इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया जीतेगा अब तक ओडीआई में। और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड अगर ये मैच जीत जाए तो इंग्लैंड भी अपना 43 मैच जीत जाएगी इंडिया के खिलाफ। ओडीआई मैच इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ 100 मैच हो चुके हैं दोस्तों। दोनों ने 100 मैच खेल चुके हैं वनडे में, और जिसमें से 2 मैच टाई हुआ है और 3 मैच में कोई नतीजा नहीं हुआ है, बारिश के कारण या कोई अलग रीजन होगा, लेकिन 3 मैच नहीं हुए हैं, 2 मैच हुए हैं पर ड्रॉ हुए हैं। अब चलते हैं अपना दूसरा रिकॉर्ड के बारे में, चलो जानते हैं दूसरा रिकॉर्ड क्या है। दूसरा रिकॉर्ड ये बन सकता है दोस्त मेरे, अगर विराट कोहली 88 बॉल सर्वाइव कर जाए या 88 बॉल खेल ले तो वनडे क्रिकेट में 13,000 बॉल खेल चुके होंगे अपने विराट कोहली, वन एंड ओनली रन मशीन विराट कोहली। 13,000 बॉल दोस्तों बहुत ज्यादा होते हैं। विराट कोहली, सचिन, गांगुली और द्रविड़ के बाद चौथे बैट्समैन होंगे जो 13,000 बॉल खेलेंगे। चौथे बैट्समैन, याद रखो सहवाग भी 13,000 बॉल नहीं खेले हैं, विराट कोहली खेले हैं। तो हैट्स ऑफ यू, वीडियो को लाइक करो फटाफट इसी बात पे। तीसरा रिकॉर्ड जो बन सकता है, पुणे क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच एक ही मैच हुआ है इस स्टेडियम में, और उसमें भी भारत ने जीत हासिल की है। अगर इस बार भी इंडिया जीत जाए तो एक रिकॉर्ड होगी, इंग्लैंड एक भी मैच नहीं जीतेगी। और दूसरी तरफ वही अगर इंग्लैंड जीत जाए तो ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड ने अपना पहला जीत हासिल करेगा पुणे में। चौथा रिकॉर्ड, इंग्लैंड का कप्तान इयन मॉर्गन अगर 166 रन मार दे तो वनडे में उनका 7,000 रन कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इयन मॉर्गन और इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। पांचवा रिकॉर्ड भी आ रहा है विराट कोहली के नाम में दोस्तों, विराट कोहली के नाम में 70 ओडीआई इंटरनेशनल सेंचुरी है फिलहाल, और अगर वो इस मैच में अपना 71 सेंचुरी कर देते हैं तो रिकी पॉन्टिंग को टच कर लेंगे। रिकी पॉन्टिंग भी अपना 71 सेंचुरी किए हैं। छठा रिकॉर्ड दोस्तों, कुणाल पांड्या अगर इस मैच में डेब्यू करेंगे, जो कि प्रोबेबली एक चांस है, तब वो 233 नंबर वाले प्लेयर होंगे इंडिया में जो अपना मैच डेब्यू करेंगे। सातवां रिकॉर्ड जो कि काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि रोहित शर्मा अगर 6 छक्के मारेंगे इस मैच में, इस वनडे मैच में, तो उनका 250 छक्का कंप्लीट हो जाएगा वनडे क्रिकेट के हिस्ट्री में। आठवां रिकॉर्ड, हार्दिक पांड्या अगर 4 छक्के मारते हैं अपने ओडीआई करियर में, उनका 50th छक्का होगा, और ये काफी बड़ा अचीवमेंट होगा नंबर 7 नंबर 6 के प्लेयर में, और ये करने वाले वो 13वें बैट्समैन होंगे। नौवां रिकॉर्ड आ सकता है रोहित शर्मा के नाम, अगर वो 14 छक्के मारते हैं इस वनडे मैच में तो उनका 450 छक्का कंप्लीट होगा, और 450 छक्का मारने वाले वो 3 नंबर बैट्समैन होंगे इंटरनेशनली। इससे पहले दोस्तों 450 छक्का मारे हैं क्रिस गेल और ब्रैंडन मैकुलम ने, और तीसरे होंगे रोहित शर्मा, जो कि काफी बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया और रोहित शर्मा के लिए। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो अगर तुम रोहित शर्मा के फैन हो। और इसी के साथ ये वीडियो दोस्तों कंप्लीट होता है। कैसा लगा तुम्हें वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। गेमपंती तुम्हारे लिए लाता रहेगा ऐसे वीडियो, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, खेलते रहो, बाय।